हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं नेचर क्लास 5 यानी वर्क बुक ऑफ नेचर क्लास 5 कक्षा 5 की प्रकृति की वर्क बुक, जिसमें आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है गौरव पुरस्कार। इससे पहले एक दो चैप्टर हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दी, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर, इसका नाम है गौरव पुरस्कार, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके विद्यालय में वार्षिक खेलों का आयोजन होता है? लगभग सभी स्कूलों में एक बार वर्ष में जैसे नहीं खेल रैली निकलती, मतलब रैली का आयोजन किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं और जो खिलाड़ी होते हैं उनको उन खेलों में अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। तो उसमें यही कहा गया कि आपके विद्यालय में वार्षिक खेलों का आयोजन होता है, यदि हाँ तो किस माह में किया जाता है और वहाँ पर किन किन खेलों का आयोजन होता है, ये हमें इसमें लिखना है। तो देखिएगा, ये ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, जब ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ठंड होती है, तो उस महीने में ये खेलों का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है, दौड़ है, कबड्डी है, खो खो है, निबंध प्रतियोगिता है, सुलेख प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता है, यानी बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएँ जो आपके स्कूलों में कराई जाती हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइएगा। अब ये हालांकि ये जो जितनी प्रतियोगिताएं दी गई सभी का आयोजन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब आपके स्कूल में होती हों। तो जो जो प्रतियोगिताएं आपके स्कूल में इनमें से होती हैं उन पर आप टिक करेंगे। जैसे खेली प्रतियोगिता तो अक्सर होती होती है, नृत्य प्रतियोगिता अगर होती है तो आप टिक करें, अगर नहीं होती आपके स्कूल में तो आप उसको छोड़ दें। निबंध प्रतियोगिता होती है, कला प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन भी होती है, ठीक, नाट्य प्रतियोगिता अक्सर स्कूलों में होती है, संगीत प्रतियोगिता भी होती है, विज्ञान प्रतियोगिता यानी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसमें ये देखा जाता है कौन अच्छा बना के लाया, ये प्रतियोगिता भी होती है, और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी होती है। तो लगभग ये माना जाता है ये जितनी प्रतियोगिताएँ दी गई ये सभी आपके स्कूलों में इन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन ये कि आपने या आपके प्रिय दोस्त ने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? ये पूछा जा रहा है कि आप हैं, आपका कोई दोस्त है, कि आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और निम्न तालिका में आपको लिखना है। अब ये हमने नहीं लिखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आपके दोस्त ने किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया वो आप लिखें, आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया वो लिखें, और आपके फ्रेंड ने किस में भाग लिया वो आपको केवल उनका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, आप लिखें दौड़ प्रतियोगिता, हो सकता है आपके दोस्त ने कबड्डी में भाग लिया तो उसके लिए लिखें कबड्डी प्रतियोगिता, और किसी में भाग नहीं लिया तो आप ये भी लिख देंगे हमने अभी तक किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, तो अभी ये भी लिख सकते हैं। अगला, वह प्रतियोगिता जिसमें आप और आपके दोस्त ने भाग लिया हो तो अनुभव कैसा है? अगर लिया है तो अनुभव भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिया है तो कोई अनुभव, अनुभव से मतलब है कि जब आपने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कि आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपको इसमें लिखना है। घर के अंदर खेले जाने वाले होता घर के बाहर खेले जाने वाले अपने मनपसंद खेलों के नाम आप इसमें लिखें, यानी इंडोर और आउटडोर गेम आपको पढ़ाए गए होंगे। तो घर के अंदर खेले जाने वाले मतलब होता इंडोर, होते एक बंद वातावरण में, इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट होता, उसमें बैठ करके आप खेल खेल सकते हैं, और ये वो खेल होते हैं जिनको बैठ के खेल सकते हैं, इनमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं लगती है। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल ऐसे होते हैं इनमें शारीरिक मेहनत लगती है, मतलब आप शारीरिक तौर पर सक्षम होने चाहिए तो वो बाहर खेल पाएंगे। तो घर में खेले जाने वाले खेल अक्सर कौन से होते हैं, लूडो है, कैरम है, पजल है, कार्ड गेम है, और ये चेस है, बोर्ड गेम है, इन खेलों को हम खेल सकते हैं। इसी प्रकार से घर से बाहर खेले जाने वाले खेल है खो खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, तीरंदाजी है, दौड़ है, घुड़दौड़ है, ये आदि ऐसे खेल हैं जो आपको खेलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा और इसमें शारीरिक ताकत भी लगेगी। घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, फायदे से मतलब ये होता है एक तरीके से ये खेल दौड़ भाग वाले होते हैं, ठीक, तो एक तरीके से आपका शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि व्यायाम आपका बहुत अच्छी तरीके से इन खेलों में होता रहता है। कोई भी खेल खेलें आप जो आउटडोर होते हैं, जैसे कबड्डी खेल लें, आपका एक तरीके से व्यायाम होता रहेगा, दौड़ का खेल है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, वॉलीबॉल का है, हॉकी का है, कोई भी हो आपको सभी में दौड़ना ही पड़ेगा, कुश्ती है और ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये सब क्या होते हैं एक तरीके से हमारे शरीर का व्यायाम करते रहते हैं जिससे हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं।
अपनी माँ और पिताजी से चर्चा करके लिखिए कि जब वे छोटे थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे और इन खेलों में उन्हें क्या लाभ होता था। तो ये आप अपने घर वालों से स्वयं पूछें और वो क्या जवाब देते वो आपको लिखना है कि वो जब छोटे थे तो कौन से खेल खेलते थे और उन खेलों से उन्हें क्या क्या लाभ होता था। क्या आप अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें आपको नियम बनाने की आवश्यकता होती है, उन खेलों के नाम लिखें। तो ये भी हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि अगर आपने कोई ऐसा खेल खेला जिसमें नियम बनाने पड़ते, भाई हमारा ये नियम रहेगा कि ये इसके नियम हैं, यहाँ से यहाँ तक आउट हो जाओगे, ऐसे करोगे तो आप आउट हो जाओगे, ये अगर आपने कोई ऐसा खेल खेला तो आप इसमें लिखें। वैसे कोई भी खेल बगैर नियम के नहीं खेला जा सकता। जब आपके दोस्त किसी खेल को खेलने के लिए अपने नए विचार देते हैं तब आप उनसे सहमत होते हैं या नहीं? सीधी सी बात है, बिल्कुल सहमत होते होंगे। अगर सही विचार देते होंगे तो सहमत होते होंगे, और हो सकता है कि आपके माफिक विचार ना हो तो आप कभी कभी सहमत नहीं भी होते होंगे। तो ये भी आप स्वयं लिखना पड़ेगा। किसी भी खेल को खेलने के लिए उनमें से नियम बनाना क्यों जरूरी होता है? अब कोई भी जैसे क्रिकेट का खेल है, कबड्डी है, हॉकी है, चेस है, इनमें सब में बहुत कठोर नियम होते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता, अदरवाइज आप गेम से आउट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर गेम कोई नियम नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का स्कोर कितना हुआ है, कोई हार रहा है या कोई जीत रहा है? इसलिए किसी भी खेल में नियम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि आप किसी खेल में हार जाते हैं तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा? देखो, दो टीमें होती हैं अक्सर खेलों में, आप जीत हार के लिए किसी एक टीम को हारना पड़ता है या एक टीम हारती है दूसरी जीतती है। तब हारने वाली टीम का सीधी सी बात है थोड़ा तो मनोबल डाउन होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोबारा फिर खेलेंगे अपनी पूरी और ताकत से, अब की बार अच्छा अभ्यास करके आएंगे तो हो सकता है अब की बार हम जीत जाएं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी खेल में एक टीम के कप्तान हैं, ये सपोज़ करिएगा कोई खेल खेले और आपको उसका कप्तान बना दिया गया, कैप्टन है आप उसके, आपकी टीम उस खेल में हार जाती है, तो आप हारने के बाद अपनी टीम के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, अगर आपने ऐसा व्यवहार किया कि टीम के साथ गलत व्यवहार किया या टीम को और हार तो गई, तो पहले से वो मायूस हैं और आपने ज़्यादा मॉरल डाउन किया या किसी पर गलतियाँ ठोंकी कि तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं, तो वह टीम फिर दोबारा भी हारने के लिए तैयार रहेगी। तो ऐसा हमको नहीं करना है, टीम का मनोबल हमें डाउन नहीं होने देना है और अगली बार अच्छी प्रैक्टिस करके हम पूरी ताकत से फिर खेलेंगे, ऐसा उनको हमें समझाना है और किसी पर कोई गलती नहीं डालनी है। जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम के साथ कैसा व्यवहार? अब दो टीमें खेलती, एक हार गई एक जीत गई, तो जीतने वाली टीम का दूसरी टीम के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उस टीम का मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं, उस टीम को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये ठीक, उस टीम को प्रोत्साहित करें, आप अच्छा खेलें, अब की बार और अच्छा खेलना। उस टीम को बधाई देनी चाहिए, बधाई तो बिल्कुल देनी चाहिए। आप हारे, हारे तो हम आप हैं, लेकिन हम जीते तो आपकी वजह से हैं, तो बधाई के तो पात्र वो भी हैं। अगर वो नहीं खेले होते तो जीतने वाली टीम जीतती कैसे? किसी भी खेल में एक टीम का क्या महत्व होता है? देखिए, कोई भी काम है टीम वर्क में किया जाता है। अगर आप किसी वर्क को अकेले कर रहे हैं और एक टीम बना के किसी काम को किया जा रहा, सीधी सी बात है जिसका जो टीम बना के वर्क कर रहा है उसका रिजल्ट अच्छा होगा और जल्दी आएगा। तो खेल में भी इसी प्रकार से टीम होती है, एक आदमी मिलकर के, जैसे चेस का खेल है, तो कुछ ऐसे खेल होते हैं जो एक एक करके खेलते हैं, लेकिन अक्सर खेल जो है वो टीम बना के खेले जाते हैं, जिनसे उनका अच्छा परिणाम आता है और सीखने के मौके मिलते हैं, दूसरे लोगों के कौशल देख करके हमें अपने कौशल में सुधार करने के मौके भी मिलते हैं। इसलिए टीम भावना के साथ खेल अक्सर ज़्यादा खेले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें तीन कॉलम दिए गए, इनमें ये लिखना है कि केवल लड़कों द्वारा खेले जाने वाले खेल, लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले खेल, और कुछ ऐसे हैं जो लड़के लड़कियाँ दोनों खेलते हैं, वो हमें इनमें फिलअप करने हैं। अब जैसे क्रिकेट अकेले लड़के खेलते हैं, क्रिकेट अकेली लड़कियाँ भी खेलती हैं, तो हमने दोनों में लिखा हुआ है। जब लड़कियाँ की टीम होगी लड़कियाँ खेल रही होंगी, लड़कों की टीम होगी लड़के खेल रहे होंगे। तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, दौड़ है, हॉकी है, कुश्ती आदि, ये लड़के खेलते हैं अकेले। अब इसी प्रकार से क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, लॉन टेनिस, कबड्डी, कुश्ती आदि, ये लड़कियों की अलग टीम होती है। दोनों मिलकर के शतरंज है, कैरम है, लूडो है, निबंध आदि, ये निबंध प्रतियोगिता ये आदि लड़के लड़कियाँ एक साथ कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि नीचे दिए गए खेलों में प्रसिद्ध पुरुष और महिलाओं के खिलाड़ियों के नाम दिए गए, महिला खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नहीं मतलब खेल खेलों के नाम दिए गए और उनको खेलने वाले पुरुष और महिलाओं के नाम हमको लिखने हैं। तो क्रिकेट है, क्रिकेट को खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी का नाम लिखिएगा और महिला खिलाड़ी का नाम भी लिखिएगा। तो महिला खिलाड़ी का नाम इसमें नहीं लिखा है, जो आपके लिए हमने छोड़ा है। आप यहाँ पर एक किसी महिला खिलाड़ी का नाम लिखिएगा जो क्रिकेट खेलती हो।
और जैसे पुरुषों में विराट कोहली हैं, टेनिस में महेश भूपति हैं और सानिया मिर्जा हैं, ये टेनिस खेलती हैं। इसी प्रकार से बैडमिंटन पुलेला गोपीचंद खेलते हैं पुरुषों में, और महिलाओं में सायना नेहवाल खेलती हैं। इसी प्रकार से बॉक्सिंग में बॉक्सिंग बिजेन सिंह खेलते हैं पुरुषों में और मैरी कॉम महिलाओं में। तो ये इनके खिलाड़ियों खेलों के नाम और इनसे संबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों के नाम है। एक आपको इसमें लिखना किसी महिला खिलाड़ी का नाम। तो ये चैप्टर थर्ड था गौरव पुरस्कार, ये भी हमने अपनी तरफ से कंप्लीटली समझाने की कोशिश की। ऐसा करता हूँ आप समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।